तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब यंग ब्रू मास्टर का सीज़न 2 का कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था कि वो रिलीज होने वाला है, तो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं एक न्यू सीरीज चालू करूँगा और उसका नाम जो है टेल्स ऑफ डार्क रिवर है। तो आप सोच रहे होगा कि मैंने उसका ऐसा क्यों कम्युनिटी पोस्ट डाला। तो दरअसल बात यह है कि जब मैं उस सीरीज़ को देख रहा था तो आपको इस बंदे के बारे में याद होगा। हाँ, ये यंग ब्रू मास्टर से बिलोंग करता है। इसका नाम सू मू यू है और इसके साथ दो लड़कियां भी रहती थी, याद आएगा आपको। और ये जो है असासिन वॉरियर है डार्क रिवर से। और मैं आपको बता दूँ कि इस द टेयर्स ऑफ डार्क रिवर में यही बंदा का कहानी को आगे हम लोग को बताया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको जो यंग ब्रू मास्टर का सीरीज़ के साथ कंटिन्यू किया जाए, कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो बैठे गंगा में हाथ धो लिया जाए। ऐसा बात नहीं है कि इन लोग का बस नाम सेम है, नहीं, इन लोग का पूरा एरिया सेम है, पूरा कंटिनेंट सेम है, पूरा वो सब तो फैमिली का भी नाम सेम है। और इसमें बाली डोंग और बाकी सब यंग मास्टर वो सभी बिलोंग करते हैं, आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें बस एक ही बंदे का नाम सेम है। और इस चीज़ का पता मुझे इस सीरीज़ को देखने के बाद चला था। और अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता, जैसे ही यह सीरीज रिलीज हुआ था वैसे ही मैं कंटिन्यू करता है इसको एक्सप्लेन करना, लेकिन अफसोस देर से पता चला। लेकिन कोई बात ना, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के, बहुत ज़्यादा बकवास हो गया। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। और वो बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिन है, और इस चीज़ का फ़ायदा मैं बेहतरीन तरीके से उठाऊँगा और आज बेहतरीन तरीके से खाना खाऊँगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और इस बंदे का नाम सू मू यू है, और यही जो है हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और फिर तभी उसको देखकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम यहाँ पर हो, तो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है मुझे मानने के लिए। ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। और बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यह है, डार्क रिवर का काम ही यही है कि वो जो पावरफुल सेक्ट लीडर को मार के ख़त्म कर दे ताकि उसका सेक्ट कोई भी इस्टेब्लिश ना हो सके। लेकिन आप बोलता है कि लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम जो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम जो मुझे मार सकते हो। तो ये सब बात सुनकर वो सू मू यू अपना मार्क सताती और बोलता है कि नहीं, आप गलत समझ रहे, मैं यहाँ पर आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम मुझे भले यहाँ पर मारने के लिए नहीं आए हो, लेकिन तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उस पर अटैक कर देता है अपने नीडल्स की मदद से जिसमें पॉइजन लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सू मू यू उसको अपने अम्ब्रेला की मदद से रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ओल्ड मैन मौजूद था जिसको जो हम ग्रेट मास्टर कहेंगे, ठीक है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ग्रेट मास्टर सू मू यू को साइड करता है और बोलता है उस ओल्ड मैन से कि तुम्हें पता है कि मैं जो तुमसे 40 साल पहले हार चुका था, मैं कंपटीशन में हार चुका था, और हम लोग ने ये तय किया था कि 40 साल बाद हम लोग फिर से फाइट करेंगे, और मैं इस पर आ चुका हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों में फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग दोनों में बहुत ज़्यादा शानदार फाइट हो रहा था। वो दोनों ओल्ड मैन एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहा था, जहाँ पर वो ओल्ड मैन जो है अपना नीडल्स का यूज़ कर रहा था, जहाँ पर ग्रेट मास्टर अपना शॉर्ट का यूज़ कर रहे थे। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, और ये सब चीज़ देखकर सू मू यू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि ग्रेट मास्टर और वो ओल्ड मैन एक दूसरे पर फाइनल अटैक करते हैं, और वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। तभी वो ओल्ड मैन ग्रेट मास्टर को बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आओगे, मुझे लगा था कि यह फाइट मेरे और तुम्हारे बीच में बस कंपटीशन के रूप में हो रहा है, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। यह बात सुनकर वो ओल्ड मैन वो ग्रेट मास्टर बोलता है कि मुझे ऊपर से आदेश मिला है, तुम्हें मारने के लिए मिशन मिला है, तो मैं जो है कुछ भी इसमें नहीं कर सकता हूँ। तो यह सब बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता हूँ फिलहाल, और वैसे भी मुझे अब मोक्ष की प्राप्ति करना है, वैसे भी मुझे अब ये सब मोह माया से दूर जाना है। और इतना बोलने के बाद वो जो है वहीं पर मारा जाता है। तभी हम उस ग्रेट मास्टर को देखते हैं जिसका हालत भी ख़राब हो गया था,
और हमें पता चलता है कि एक पॉइजनस नीडल जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है वो उसके शरीर में घुस चुका है। तभी हम देखते हैं कि ज़ुमोयू उसको बोलता है कि हम लोग को जो है डार्क रिवर चलना चाहिए, वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग जो है किसी और के जाल में फंस चुके हैं। हम लोगों को लगा था कि ये सब काम हम लोग के लिए हो रहा है और हम लोग इससे दूर रहेंगे, लेकिन अफसोस हम लोग किसी के जाल में फंस चुके हैं। ज़ुमोयू बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग को जो है नॉर्थ की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक मिस्टीरियस डॉक्टर मौजूद है जो कि आपका ट्रीटमेंट कर सकता है, आपको फिर से सही कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन तैयार हो जाता है और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ज़ुमोयू उस ग्रेट मास्टर को लेकर और कुछ बंदे के साथ वहाँ पर से जा रहा था नॉर्थ की तरफ, जहाँ पर रास्ते में उन लोग को जो है बहुत ज़्यादा फॉग दिखाई पड़ता है तो लोग रुक जाता है। तभी ज़ुमोयू इस चीज़ को चेक करने के लिए आगे जाता है, तभी वो ग्रेट मास्टर उसको बताता है कि हम लोग जो है एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ है और वो बंदा हम लोग का दुश्मन है, इसलिए सतर्क रहने के लिए बोलता है। तभी हम ज़ुमोयू का सीन देखते हैं जो कि तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एविल बच्चे का सीन देखते हैं और फिर तभी हम वहाँ पर यंग मास्टर को देखते हैं और तभी वो बंदा जो है इस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो ज़ुमोयू था वो अपने स्वॉर्ड की मदद से, अम्ब्रेला की मदद से उससे बच जाता है। तभी वहाँ पर उस यंग मास्टर को देख कर ज़ुमोयू बोलता है कि क्या तुम डार्क रिवर से गद्दारी करना चाहते हो। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर ग्रेट मास्टर को बचाने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने जो है डार्क रिवर से गद्दारी कर दिया है और मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ। और वो जो उल्टा ज़ुमोयू को गद्दार करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ुमोयू भी तैयार हो गया था फाइट के लिए। वो यंग मास्टर बोलता है, मैंने सुना है कि जो तुम्हारा स्वॉर्ड है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है बाकी सबके स्वॉर्ड से, तो आज मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र पड़ रहे हो। तभी यह सब बात सुनकर ज़ुमोयू को गुस्सा आने लगता है और वो उस पर अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर वो सारे बच्चे ज़ुमोयू के चारों तरफ घूमने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से घूम रहे थे, जैसे मानो वो सब एक घोस्ट हैं। और फिर तभी ये सब चीज़ देखकर ज़ुमोयू भी हैरान हो रहा था और फिर तभी वो उनमें से एक बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन वो उस बच्चे को देख कर उसको जाने देता है क्योंकि वो बच्चा मासूम लग रहा था। तभी ये चीज़ देख कर वो यंग मास्टर उसको बोल रहा था कि तुमने इसको नहीं मारा, ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग था लेकिन चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा घाटा करेगा। और वो बोलता है कि इस तुमने इसे नहीं मारा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो उस पर अटैक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे ज़ुमोयू को चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो ये चीज़ देख कर ज़ुमोयू इस बार उन लोग पर दया नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ उन लोग को जान से भी नहीं मारता और उन लोग पर अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर उस पर अटैक कर रहा था नीडल्स की मदद से। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों में फाइट शुरू हो गया था जहाँ पर ज़ुमोयू उसको मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ को देख कर वो यंग मास्टर बोलता है कि तुम्हारा शॉट तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी ये चीज़ सुनकर ज़ुमोयू अपना असली पावर दिखाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पेस से गायब हो जाता है। और फिर तभी हमें पता चलता है कि वो कैरियर जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है। वो यंग मास्टर भी हैरान था और फिर तभी ज़ुमोयू ने उसके कपड़े पर कीचड़ भी उछाल दिया था। ये चीज़ देखकर वो यंग मास्टर और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ ऐसा करने का। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं तुमको बाद में मार दूंगा और फिर तभी वहाँ से चला जाता है। इस चीज़ को देख कर ज़ुमोयू ग्रेट मास्टर को बोलता है कि मू फैमिली ने जो है गद्दारी कर दिया, रिबेल कर दिया है। तो ये बात सुनकर वो ग्रेट मास्टर बोलता है कि हाँ उन लोग जो है बहुत ज़्यादा समय से मेरे पोजीशन को हड़पने के लिए सोच रहे थे और ये समय उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, इसलिए उन लोगों ने रिबेल कर दिया। और बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जिस डिवाइन डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप करने के लिए, मेरा इलाज करवाने के लिए, मुझे डर है कि उन लोग जो है उसे भी मार देगा। तो ये बात सुनकर तू मुझे बोलता है बाकी सबको कि तुम सब लोग जो यहाँ पर रह के ग्रेट मास्टर का रखवाली करो, प्रोटेक्ट करो, मैं आगे जाके उस डिवाइन डॉक्टर को लेके आता हूँ यहाँ पर। और फिर तभी वो यहाँ से चला जाता है और वो सारे गार्ड जो है ग्रेट मास्टर का रखवाली करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।